हे एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल टूडे इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस विद यू मर्चेंडाइजिंग मर्चेंडाइजिंग जो है एक रिटेलिंग स्ट्रैटेजी का टाइप है पार्ट है इससे पहले जो सबसे फर्स्ट रिटेलिंग स्ट्रैटेजी थी वो थी रिटेल लोकेशन को डिसाइड करना कि हम अपनी आ, लोकेशन को कैसे चूज कर सकते हैं उसको क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं मैं उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अगर आपको चेक करना हम वहां से चेक कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं मर्चेंडाइजिंग क्या होता है मर्चेंडाइजिंग क्या है एक सेकेंडरी प्राइमरी रिटेलिंग स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट रिटेलिंग स्ट्रेटेजी और सेकेंड नंबर वाली स्ट्रेटेजी है जिसके बेसिस पे अगर हमने रिटेल लोकेशन चूज कर ली देन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिटेलर के पास रहता है कि वो मर्चेंडाइज क्या करेगा मर्चेंडाइज का मतलब है किस तरीके का वो सामान बेचेगा अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करेगा द रिटेलर हैज़ टू डिसाइड रिटेलर को डिसाइड करना पड़ता है कि वो सिंगल लाइन प्रोडक्ट सेल करेगा या नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन सेल करेगा सिंगल लाइन प्रोडक्ट का है? जैसे सपोज कीजिए एक चीज प्रेफर कर ली उसने टूथपेस्ट तो टूथपेस्ट एक प्रोडक्ट की लाइन है उसमें वो अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट डिसाइड कर लेगा या फिर ओरल हेल्थ से रिलेटेड यानी कि माउथ वॉश रख लिए फ्रेग्रेंस रख ली मुंह से रिलेटेड मिंट फ्रेशनेस ये आ जाएगा प्रोडक्ट लाइन में नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन अलग अलग दो या तीन कैटेगरीज उसने डिसाइड कर ली जैसे सोप और टूथपेस्ट ब्रशेज डेली डेली यूज का सामान तो उसमें प्रोडक्ट लाइन को एक्सपेंड करना चाहता है शुड कंसिडर द फैक्टर्स वो वो फैक्टर्स कंसिडर करेगा जो उसके कॉम्पिटिशन के लिए नसेसरी है उसकी इनकम के लिए नसेसरी है और उसको वो परचेज कर सकता है अपनी टारगेट पॉपुलेशन तक पहुंचाने के लिए बजट डिसाइड कर रखा होगा कि मैं इतने में अपनी जो है मर्चेंडाइजिंग करूंगा इतना अपनी अपनी जो शॉप है उसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा तो वो इनकम लेवल भी देखेगा आगे कॉम्पिटिशन भी देखेगा मार्केट में क्या है कंज्यूमर का लेवल भी देखेगा कंज्यूमर किस तरीके के जहाँ पे वो अपनी जो शॉप है वो ओपन करना चाहता है मर्चेंडाइजिंग एक डिफिकल्ट टास्क है रिटेल मैनेजमेंट में और ये भी बोला गया है गुड्स विल बॉट आर हाफ सोल्ड जो भी हम सामान खरीदते हैं ऐसा नहीं है कि वो कम्पलीटली बिक जाता है उसमें कुछ ना कुछ रह जाता है जैसे सपोज कीजिए एक टूथपेस्ट ब्रांड था तो उसमें आपने पांच या छः अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट अलग अलग, 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 अलग अलग परचेज कर लिए जैसे पेप्सोडेंट का कोलगेट का पतंजलि का सिबाका का और बबूल का डाबर का इस तरीके से अलग अलग पांच छह ब्रांड परचेज कर लिए तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस जो होगी वो सामान बिकेगा आपने सबके टें टेन टन क्वांटिटी परचेज की थी तो जरूरी नहीं है सबकी टेंट की टेंस सोल्ड हो जाए हो सकता है किसी की सोल्ड हो गई और आपको दोबारा से मंगा के बेचनी पड़ी और एक ऐसा ब्रांड हो जिसकी ना बिकी हो तो ये बात बोली गई है कि मर्चेंडाइजिंग हमें सोच के करनी पड़ती है मर्चेंडाइजिंग जो स्ट्रेटेजी है ऑर्गेनाइजेशनल के लिए एक राइट right प्रोडक्ट को अवेलेबल कराती है राइट right प्लेस पे राइट right क्वांटिटी में और राइट right टाइम पे Uh, कि हमें राइट प्लेस पे यानी हमारी शॉप पे राइट टाइम पे जब कंज्यूमर की डिमांड है राइट साइज में अवेलेबल हो तो हम उसे क्या बोलते हैं मर्चेंडाइजिंग अच्छी है मर्चाइजिंग कॉम्बिनेशन है पांच अलग अलग राइट्स का पांच अलग अलग राइट्स क्या है कि प्रोडक्ट को अगर हमें डिसाइड करना है तो हम क्या क्या चेक करेंगे नंबर वन इज एनालिसिस रिटेलर को क्या करना पड़ेगा एनालाइज करना पड़ेगा कस्टमर को कि कस्टमर चाहता क्या है कस्टमर की डिमांड कैसी है जिस एरिया में आपकी शॉप है या जिस एरिया में आप मर्चेंडाइजिंग करना चाहते हो अपनी लोकेशन को चूज ओपन करना चाहते हो उसे अवेलेब uh, एक्सेस uh, करना पड़ेगा क्लियरली कि कंज्यूमर के किस तरीके के प्रोडक्ट्स डिमांड कर रहे हैं और उसके बाद वो अपनी टारगेट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करेगा या उस तरीके की शॉप डिसाइड करेगा उस एरिया में ओपन करने के लिए जैसे कि अगर आपकी टारगेट पॉपुलेशन बच्चे हैं तो आप बच्चों से रिलेटेड सामान रखेंगे अगर आपकी टारगेट पॉपुलेशन अडल्ट है टीनेजर्स हैं देन आप उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट परचेज करेंगे या प्रेफरेंस करेंगे देन नेक्स्ट इज प्लानिंग प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट में हर एक स्टेप पे हमें प्लानिंग करनी पड़ती है सिमिलरली मर्चेंडाइजिंग में भी हमें क्या करनी पड़ती है कस्टमर्स को किस तरीके के प्रोडक्ट सेल करने हैं हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट के अरेंजमेंट करें कि कस्टमर को वो विजिबल हो ये सारी प्लानिंग मर्चेंडाइजिंग में इंपॉर्टेंट है मर्चेंडाइजिंग हम उसी बेसिस पे करते हैं नेक्स्ट इज एक्विजिशन कि जो हमें एक्वायर करनी है चीजें ऑर्डर करनी है वो हम कैसे करेंगे मैन्युफेक्चरर से खरीदेंगे होलसेलर से खरीदेंगे डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदेंगे और इनकी प्रॉपरली टाइम टू टाइम मैनेजमेंट चेक करनी पड़ेगी अपना स्टॉक चेक करना पड़ेगा वो जाएगा एक्विजिशन नेक्स्ट इज हैंडलिंग हैंडलिंग यानी जब अपना प्रोडक्ट जो रिटेलर है वो अगर कंज्यूमर को सेल करेगा तो वो प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए ये हैंडलिंग में आ जाएगा कि वो जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो एक्चुअल में सही होना चाहिए देन इज कंट्रोल उसको सब चीजों पे क्या करना पड़ेगा कंट्रोल करना पड़ेगा चाहे वो एक्विजिशन से रिलेटेड हो अपने प्रोडक्ट को सेल करना हो क्योंकि उस सब में उसकी मनी इन्वाल्व है और अगर वो टाइम टू टाइम चेक नहीं करेगा तो उसको फाइनेंशियल क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा मर्चेंडाइजिंग एक डिफिकल्ट टास्क है इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जिनको हमें केयरफुली और रेशनली अच्छे से सोच के इम्पलीमेंट करना पड़ता है अगर रिटेलर ऐसा नहीं करेगा तो उसकी रिटेल स्ट्रेटेजीज की वजह से उसे फ्यूचर में लॉस भी हो सकता है और अगर अच्छे से करेगा तो उसे फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आई होप आपको ये मर्चेंडाइजिंग uh, क्लियर हो गया होगा अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं स्टेट फॉर मोर वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग